आज की इस वीडियो में हम आपको दांत, कार, ग्लोरी और ऐसी कई सारी चीजें दिखाने वाले हैं जिसको देखने के बाद आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे और वाकई में कहेंगे यार इतनी बेवकूफी तो मत किया करो यार। यूजलेस थिंग्स। दोस्तों, यूएसबी फ्लैश डिवाइस काफी ज्यादा यूजफुल चीज है। कंप्यूटर और लैपटॉप में काम करने वालों के लिए, डेटा ट्रांसफर करने के लिए, डेटा सिक्योर और स्टोर करने के लिए इसका काफी ज्यादा यूज आज हर ऑफिस में किया जाता है। वैसे आपने कई सारे शेप की डेटा ट्रांसफर डिवाइस देखी होगी, लेकिन एक डिजाइनर ने डेंजर डेटा डिवाइस बनाई जिसका शेप दांतों की तरह कर दिया। वाह भाई वाह। अब देखिए ये सिंक जिसका शेप भी किसी दांतों की तरह, लेकिन ये काले दांतों वाला सिंक जरूर किसी अफ्रीका वाले व्यक्ति ने ही बनाया होगा जो शायद दांतों का दवा खाना खोलने की ख्वाहिश रखता होगा लेकिन मिस्त्री बन गया। एक और चीज है यहाँ, उसको भी देखिए, जिसमें बड़े से तबेले के अंदर बैठा हुआ ये एक टाई वाला शख्स आपको दिख रहा है। असल में ये एक रेस्टोरेंट का कैशियर पॉइंट है जहाँ पर खाने वालों के लिए पैसे कटाने का काम होता है। किस कप? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, किस कप। सड़क के किनारे वैसे चाय पीने वाले लोगों को पैक कप की तो कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन कई बार जब हम सफर में होते हैं तो हमें ऐसा ग्लास चाहिए होता है जिसके ऊपर कवर लगा हो, है ना। आपने भी कई बार कैफेटेरिया में देखा होगा कि कैप लगे हुए कप रखे होते हैं, लेकिन इस तरह का कैप आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। देखिए देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर तो देखिए अच्छे से। जी हाँ, ये एक इंसान के लिप और नोज की तरह दिखता है। आपको बताते चलें इसे डिजाइन किसने किया। इसे कोरियाई डिजाइनर जान ने बनाया है, कुंवारे या फिर सिंगल लोगों के लिए। वैसे ये कुछ देर के लिए काफी मनोरंजक हो सकता है, लेकिन असल जिंदगी में ये किसी भी काम का नहीं है और काफी ज्यादा वियर्ड लगता है। जी हाँ, इसके साथ कॉफी पीने का भी ज्यादा मजा नहीं आता है, क्योंकि इस तरह का कप कॉफी पीने का ज्यादा मजा देने के बजाय आपको लोगों के बीच अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। मल्टीप्ला। दोस्तों, कार निर्माता कंपनियां हमेशा से ही अपनी कारों को खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हुए आ रही हैं। फिलहाल भी कई सारी एक से बढ़कर एक लग्जरी और खूबसूरत कारें दुनिया में मौजूद हैं। लेकिन फिएट कंपनी ने सन 1958 में एक ऐसी कार बनाई जिसे सन 2014 में दुनिया की सबसे अलग कार का खिताब मिला। ये कार दिखने में कार से ज्यादा किसी ऑटो की तरह लगती थी। इसके बोनट के ऊपर वाले स्ट्रक्चर और लाइटिंग ने तो इसके शेप की 12 ही बजा दी। अब देखिए ना कैसा वियर्ड सा लग रहा है ये। इतनी बेकार दिखने वाली कार को फिएट ने सन 2003 तक मैन्युफैक्चर किया, सीरियसली। और सन 2004 में, यानी इतने सालों बाद कंपनी को समझ में आया कि ये कार काफी ज्यादा बदसूरत है। इसका एक्सटीरियर ही खराब नहीं था, इसका इंटीरियर भी काफी गलत तरीके से डिजाइन हुआ था। अब देखिए ना, इसमें 6 लोगों के बैठने की जगह दी गई थी, लेकिन अगर ये 6 लोग साथ में बैठ जाएं तो सुकून से बैठने ही नहीं मिलता। वाकई में गजब की कार डिजाइन की है भाई। फेलकॉन। पापा की मार के बाद या फिर किसी से लड़ाई के बाद जब मुंह सूज जाता है तब फेस पर अलग ही सूजन दिखाई देने लग जाती है। और शायद ये वाला एरोप्लेन देखिए, ऐसा लग रहा है कितनी ज्यादा मारा कूटी करके आया था, है ना। आपने एरोप्लेन्स के नॉर्मल शेप तो देखे ही होंगे, वो आगे से एलिप्टिकल शेप के होते हैं और जरा भी बदसूरत नहीं लगते, कितने खूबसूरत लगते हैं। और ये वाला एरोप्लेन, बाप रे बाप, इतना बदसूरत है कि इसको कोई पहली बार देखे तो हैरानी हो जाए। आपको भी हैरानी हुई होगी। सन 1994 में इस एरोप्लेन को मिलिट्री द्वारा सर्विलेंस के लिए बनाया गया था। इसके आगे लगा हुआ इसका सूजा हुआ जो शेप है ना, एक रडार है दरअसल में। इसकी मदद से ये 360 डिग्री एरिया कवर करता है। एरोप्लेन का ये शेप उसके बाद यूज ही नहीं किया गया, और इस एरोप्लेन का सिर्फ आगे से ही नहीं बल्कि पीछे से भी कई सारा भाग दूसरे एरोप्लेन से काफी ज्यादा बाहर निकला हुआ है, जिसे देखकर आप यही कहेंगे कि हाँ यार, ये तो दुनिया का सबसे बदसूरत एरोप्लेन है। वैसे एक बात बताइए, क्या आपने कभी अपने दोस्तों से या किसी से भी लड़ाई में मुंह सुझाया है? तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वियर्ड चीजें जो वाकई में काफी अजीब है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या मजा आया कि नहीं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।